आसनसोल में होटल मालिक को मारी गोली। शुक्रवार की शाम आसनसोल साउथ पीपी से कुछ दूरी पर स्थित बंडपुर रोड में होटल मीरा में घुसकर अपराधियों ने होटल मालिक अरविंद भगत को गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर पाकर पुलिस मामले की छानबीन करने के लिए पहुंची। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक अरविंद भगत रोजाना की तरह अपने होटल के लॉबी में बैठे हुए थे। उसी दौरान अचानक बंदूकधारी होटल में घुसे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अरविंद भगत का होटल के अलावा अन्य और भी कारोबार है। पुलिस छानबीन कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। किससे बात कर रहा था ये? अपना क्लाइंट से बात कर रहा था, सुजय भंडारी नाम है। सुजय भंडारी कौन है? वो जमीन के रिलेटेड। सर यहाँ देखें कि कुछ दो आदमी आए इधर से, अपना सामान निकाला, ढाई ढाई गोली चला दिया। कैसा अवस्था में था? हेलमेट पहना था, कुछ था, कुछ यहाँ तिलक लगा हुआ था और स्वेटर वेटर पहना हुआ था। चेहरा देख पाए थे? थोड़ा सा नज़र आया तो हम तो गए उसके पास, हमको बोला भाग यहाँ से, नहीं मार देगा गोली। हम तो यहाँ खड़े हो गए। मालिक से कुछ बोल रहा था कि किस? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बात, कुछ नहीं किया। कितना बजे घटना हुआ? अभी लगभग अभी तो हो रहा 7:35 में ऐसे। गौ तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल को शुक्रवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया और बीते दिनों की तरह ही आज भी जमानत के लिए अर्जी नहीं दी गई, इसलिए सुनवाई ज्यादा देर तक नहीं चली। संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने 14 दिनों के अतिरिक्त रिमांड का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। आज यानी शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में आगे की जाँच के लिए आसनसोल जेल जाकर अनुव्रत मंडल से पूछताछ करने की इजाजत मांगी। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अर्जी मंजूर कर ली। पत्रकारों ने आसनसोल जेल से निकलते वक्त और कोर्ट में पुलिस की गाड़ी से उतरते वक्त अनुव्रत मंडल से सवाल पूछे, लेकिन वीरभूम के तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किसी भी जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। प्रोडक्शन হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডল কিন্তু আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন কিছু করিনি। নেক্সট প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স হয়েছে 3 তারিখে 3 মার্চ। আর বলবম রাইস মিলের যে অ্যাকাউন্ট ডিফ্রিজিং এর অ্যাপ্লিকেশনটি ছিল ওটাতে কিছু টেকনিক্যাল এরর আমরা ডিটেক্ট করেছিলাম বলে ওটা ফর দা টাইমিং নট প্রেস করেছি। ওটা ইন কোর্স অফ টাইম আবার অ্যাপ্লিকেশন রিনিউ করব, ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন দেব। সিবিআই তরফ থেকে জেল ইন্টারগেশনের ইউজুয়াল অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা হয়েছিল, সেটা অ্যালাউ হয়েছে। তোমারে ঘর কে ফার্নিচার বহুত আকর্ষক লাগতে লাগতে বহুত মহঙ্গা হ্যাঁ। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पिछले दिनों आसनसोल में आसनसोल के प्रवेश द्वार पर नए वेलकम गेट के निर्माण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। लोगों के बीच इस बात को फैलाया गया कि वेलकम गेट पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड नहीं लिखा होगा। इस पर विपक्ष ने भी शहर के लोगों की भावना आहत होने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के उपमेयर वसीम उल हक ने नगर निगम में हुई आज की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि आसनसोल के प्रवेश द्वार पर जो विश्व बंगला गेट बनाया जाएगा उस पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड अंकित रहेगा और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू किया जाएगा। तो हमारा जेटा এখন মেয়র সব বসেছিল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোক এসেছিল গেটে নিয়ে যেটা হলো গেট আসানসোল যে কালীপাড়িতে ওয়েলকাম গেট ওটা অনেক দিন ধরে আমরা শুরু করেছি কাজ চলছে। তা যখন আমরা পুরনো গেটটা ভেঙেছিলাম খুলেছিলাম তখন অনেক মানুষ যারা ঘরে বসে থাকেন তারা বলেছিলেন যে ওইখানে সিটি অফ ব্রাদারহুড লেখা আছে, সেটা খুলে দিয়েছে, লেখা থাকবে না, অমুক তমুক অনেক রকম বিষয় এসেছিল, সেটা আমরা আপনাদের প্রেস মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম। তখন আমরা বলেছিলাম আজকেও আপনার ডিজাইনটা দেখলেন যে সিটি অফ ব্রাদারহুড যেটা আছে সেটা থাকবে আসানসোল ওয়েলকাম গেটে, আর ডিজাইনটাও বিশ্ব বাংলার লোগোর সঙ্গে একটা সুন্দর গেট আসানসোল ঢুকতে দেখতে লাগবে যে আমার আসানসোল শহরে প্রবেশ করছে।
शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे आसनसोल दक्षिण थाना के ट्रैफिक अधिकारीगण। वे आसनसोल दक्षिण थाना ट्रैफिक कार्यालय के भवन की जर्जर अवस्था को लेकर मेयर से मिलने पहुंचे और भवन की मरम्मत करवाने का अनुरोध किया। मेयर विधान उपाध्याय ने भी कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि भवन की अवस्था काफी जर्जर है, इसलिए उन्होंने नगर निगम के इंजीनियर को भवन का जायजा लेने के लिए भेज दिया। हम आसनसोल साउथ ट्रैफिकर जेटा ऑफिसटा আছে মানে যেটা যেখানে থানাটা আছে সেই থানাটা খুব করুণ অবস্থার মধ্যে আছে। এবার আমিও ডেলি ফ্রি আছি, সবাই ফ্রি আছে, তো ওটাকে আমাকে ম্যাপিল করেছিল যে যেটা এটাকে যদি একটু করে দেওয়া হয় আমাদের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, তো সেটাই আমি ওনারা এসেছিলেন অ্যাপিল করেছেন, আমি সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠালাম একটু দেখে নিতে যে কীভাবে কী করা যেতে পারে, হেল্প করা যেতে পারে বানানো যাবে, এবং সেটাকে শুধুমাত্র যে থানা বানিয়ে ছেড়ে দেবো তা না, ওর উপরও যাতে কর্পোরেশনের একটা ইনকাম সোর্স হয় সে কারণে উপরটাও একটা তিনটে ফ্লোর বা চারটা ফ্লোর আমরা করে দিচ্ছি ওটাকে।